नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज़। आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में रासेपुर के पास पवारी बाबा की हैं। आइए यहाँ जो मंदिर की देख रेख करते हैं बाबा, उनसे मिलते हैं, जानते हैं मंदिर के बारे में, मंदिर के रहस्य के बारे में। बहुत रहस्यमयी मंदिर है ये जो पवारी बाबा का, और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। और आइए बाबा से मिलते हैं। आज हमारी टीम पहुंच चुकी है आजमगढ़ में पवारी बाबा के हैं। और यहाँ पे लीजिए, आइए वहाँ से महाराज सीधे मंदिर आए ना। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, क्या नाम है बाबा आपका? रामधारी। ये कौन सा जगह है? ये है मानपुर मठिया जी। हाँ, मंदिर मानपुर मठिया में है ये बाबा। यार तपस्या किए हैं और तपस्या करने से इतनी बड़ा महान हुए हैं, और जिंदा समाधि लिए हैं जो कि बरगद का पेड़ उस समाधि पर जमा हुआ है। कितना दिन हो गया समाधि लिए हुए? अब बाबा को समाधि लिए तो मैं कहता हूँ कि मेरा होश नहीं था, मेरे बाप का भी होश नहीं था, मेरे आजा को होश थी। तीसरी पीढ़ी की बात हो गई है। हाँ, घर के लोग देख रेख करते हैं? हमारे घर के क्या, ये दो घर हिरान था, तीन घर और दो घर ये हरजन बस्ती। बाबा अपनी जगह जमीन में बसाए और एक ही इनार से पानी पिए, किसी को चेला चप्पर नहीं रखे। बाबा बोले कि तुम लोग हमें देखोगे तो हम तुमको देखेंगे, तो हम लोग देखते हैं, इनका सेवा करते हैं। मान्यते कितनी दिन में पूरी हो जाती है आप? भाई वो तो आपकी श्रद्धा क्या है, कैसे है, वो तो अब वो लोग जानेंगे, हम क्या जानेंगे। क्या क्या चढ़ाया जाता है? चढ़ाने के लिए तो आपकी जो इच्छा है वो चढ़ाइए। तभी भी यहाँ इस समय लोग नंगोटा खड़ा हूँ, धूप अगरबत्ती, दूध घी का होम जाप, उनको दूध लिया के खप्पर भी चढ़ाते हैं, इनका प्रसाद यही है। और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? मैं और क्या कहना चाहता हूँ, बाबा का यही। और मंदिर की खूबियाँ बताइए। मंदिर की यही हाल है, जो यहाँ चढ़ावा चढ़ता है उनके चढ़ावे। आइए यहाँ कुछ लोग हैं उनसे बातें करते हैं। क्या नाम है? ब्रिजेश पाल। कहाँ घर है आपका? मेरा दुल्लापुर घर है। मैं गाड़ी लेके खरीद दर्शन करने आया। जी जी जी। किस उपलक्ष्य में आया? मैं गाड़ी 17 लाख का खरीदा हूँ, वो भी उसी का पूजा कराने के लिए आया हूँ यहाँ पे। जी। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से दुल्लापुर लगभग चिड़ियाकोट से 10 किलोमीटर पड़े, यहाँ से 20 किलोमीटर पड़ जाएगा। मंदिर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मंदिर के बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो है कि और इसका विकास होए और भविष्य के लिए और विकास हो, ताकि यहाँ पे और पब्लिक आए, यहाँ पे दर्शन करें और इसका और विकास हो। मेरा कहना यही है। कितने जमीन में मंदिर बना हुआ है टोटल? ये टोटल जमीन है ये, और बाकी जमीन बाबा सबको दे दिए, अपने अपने नाम गांव से बाबा करा कर चले गए, और यही बोले कि हमको तुम लोग सेवा करोगे तो हम तुम लोगों को देखेंगे, लेकिन हम ही लोगों को नहीं। ये देखिए तमाम जनता आती है डेली, इतवार मंगल के लिए तो पूरा भीड़ हो जाती है। आइए थोड़ा अंदर दिखाइए। आइए अंदर दिखाते हैं। हाँ, जिनकी श्रद्धा हुई है, देखिए ये पूरे घंटी घंटा टंगा हुआ है, हैं? और यहाँ दूसरा कोई पंडा पुजारी साधु नहीं होते, चारों तरफ फोटो लीजिए, हैं? यहाँ कोई साधु सन्यासी नहीं होते। हाँ, यहाँ का देखभाल हम ही लोग करते हैं। यही आई हरजन बस्ती, आई बाबा की समाधि है। कौन कौन बाबा यहाँ पे हैं? ये पवारी बाबा की समाधि है। हाँ। ये जिंदा समाधि लिए हुए हैं। हाँ। वो गोसाई बाबा की समाधि है, उनको गांजा भांग अनिवार्य होता है प्रसाद उनका। ये मंदिर बरगद के पेड़ के वजह से नहीं हो पाया, तो इनका बनाया हुआ स्थान ये दिया गया है। ये बताइए एक एक करके बताइए बाबा के बारे में। तो इनका ये दूसरा स्थान बना कर दिया गया है। ये कौन बाबा है? वही पवारी बाबा का स्थान बता रहा हूँ। हाँ, हाँ। कि उनका ये बना कर स्थान दिया गया है, लेकिन असली समाधि बरगद के। आइए आइए, इनको देखिए, धूप अगरबत्ती चलती रहती है। हाँ, यही असली बाबा का? असली बाबा है। कितना दिन हो गया? अरे हो गया होगा कुछ भी नहीं तो 150 बरस बाबा को। हाँ, उसी में पेड़ जमा हुआ है ये बरगद। तो हम लोगों के समय में 1967 में हमारे यहाँ चकबंदी हुई, वही 1967 में ये बर जमा हुआ है। हम लोग क्या मान्यता है जो कपड़े बांधे जा रहे हैं? ये आप आकर दर्शन करते हैं, जो इनको पूजा चढ़ाना है चढ़ाते हैं, जो भी आपको दुख सुख इनसे बात करना, समाधि से यहाँ कोई झूठा ही सच्चाई नहीं। ये आगे ये किसका है? उन्हीं का, मतलब ये थुआ बनाया हुआ बाबा का, ये सब बाबा का है। ये सब, ये भी सब बाबा का ही है? ये गोसाई बाबा है।
गोसाई बाबा है, ये गोसाई बाबा है लिखा हुआ है, इनको गांजा भांग चढ़ता है। और वैसे इसके अलावा वो भी एक मूर्ति वहाँ पे शंकर जी का स्थान है, शंकर जी का है, और वो शंकर जी भोलेनाथ की उपासना किए हैं, उन्हीं की तपस्या करके इतना महान हुए हैं हम लोग। कहाँ से आए आप? ग्रेटी से, गाजीपुर जिले से। गाजीपुर से आते हैं? इस बहुत दिन से आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे हम? आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे थे ये पवारी बाबा का स्थान। आइए कुछ लोग और हैं, उनसे भी बातें करते हैं। क्या कहते हैं मंदिर के बारे में लोग? क्या नाम है आपका? हमारा तो रामजस नाम है। कहाँ से आए हैं? हम तो जलालाबाद से आए हैं। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ सर लगभग 15-16 किलोमीटर है। क्या कहना चाहेंगे बाबा के बारे में? बाबा के बारे में हम तो जानते हैं बहुत दिन से, जिसकी मनोकामना पूरे हो रहे उसकी हो जाती है, इसलिए हम लोग भी दर्शन करने आए हैं बाबा। बाबा ये घंटी लगी हुई है? हाँ जी, ये घंटी लगी हुई है, मन्नतें पूरी वो घंटी लगी हुई है। कितनी घंटियाँ होगी? अरे आपके सामने देखिए कितनी है। अंदाज इसका वजन अब हम लोग है का क्या बता सकते हैं, है? लेकिन जितना ये है उतना उस कमरे में रखी हुई है, उधर उस कमरे में रखी हुई है। हमारी हिम्मत नहीं है कि इनको अलावा हम बेच सके एक। कभी अंदाज कितनी घंटियाँ होंगी? अरे कुछ भी नहीं तो कई करोड़ों घंटी होंगी। हाँ, कितना आपका गोदाम भरा हुआ घंटियों? एक कमरा उधर है, एक कमरा इधर है, आई इतना आपके सामने है। हमारी हिम्मत नहीं कि हम एक थे बेच लें। जब ये कौन बाबा है? भोलेनाथ शंकर जी, ये शंकर जी का स्थापना इन पर है। हाँ, और क्या कहना चाहेंगे आप? और हम क्या करना चाह रहे हैं, आप लोग देखिए, आप लोगों की जो श्रद्धा हो उनसे कहिए, सुनिए, यदि आपकी कामना पूरा हो जाएगी तो फिर मिलेगी, मिलना नहीं मत मिलना। आप देख रहे हैं ये पवारी बाबा का स्थान है, ये जो रासेपुर के पास आजमगढ़ में पड़ता है, और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो लोग भी आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, और जब मन्नतें पूरी होती हैं तो लोग घंटी बाजते हैं, ये कपड़े चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और सभी यहाँ की पूरी जानकारी जो है बाबा दिए हैं इन लोगों की। और आप देख रहे हैं सुपरफास्ट न्यूज़, ऐसे ही खबरें आपको दिखाते रहेंगे सुपरफास्ट से। नमस्कार।